इन्वेस्ट राजस्थान समिट का समापन हो चुका है। दो दिन तक चले इस समिट में उद्योग जगत के कई नामी हस्तियों ने भाग लिया। समिट में कई एमओयू हुए तो करोड़ों निवेश की बातें की गई। तो क्या कुछ इन दो दिनों में हुआ और आगे इन पर कैसे काम होगा? पत्रिका टीवी संवाददाता नरेंद्र सोलंकी और स्वतंत्र जैन ने बात की है अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीनू गुप्ता से। इन्वेस्ट राजस्थान का भव्य समापन हो चुका है। आप हमारे साथ जो एसीएस वीनू गुप्ता जी है, जिनसे मैं जानना चाहेंगे दो दिन जो इन्वेस्ट राजस्थान चला उसके अंदर जो है किस तरह की जो है आगे भावी योजनाएं जो है सरकार की तरफ जो एमओयू हुए हैं, जो 1,00,000 लोगों को रोजगार का जो लक्ष्य है, सौर ऊर्जा को लेकर जो इतनी बड़ी बातें हुई हैं, मिनरल्स को लेकर जो है, खनिज को लेकर जो बात हुई है। तो मैम, मैं ये जानना चाहता था कि इन्वेस्ट राजस्थान में जो आपने ये इतना बड़ा आयोजन किया, इतना भव्य आयोजन किया है, तो अब जो बाकी जो एमओयू जो हैं तो उसका आगे का वर्तमान भविष्य में किस तरह की योजनाएं धरातल पर आएंगी या किस तरह से सरकार की योजनाएं हैं आगे? देखिए, जो एमओयूज हुए हैं ये आज से करीब 10 महीना पहले होने शुरू हो गए थे और इन पर लगातार काम चल रहा था और उसी का परिणाम ये है कि लगभग 40% एमओयू ऐसे हैं जो कि अब क्रियान्विति के विभिन्न चरणों में हैं। ये समिट तो एक प्रकार से उसका एक कल्मिनेशन था, जहां हम शोकेस करना चाहते थे कि हमने केवल एमओयू कागज पे ही नहीं किया है बल्कि उसको धरातल पर भी लाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ ये काम अभी समाप्त नहीं होने वाला है, ये इसकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और जो बचे हुए एमओयूज हैं उस पर काम चलता रहेगा ताकि हमारा मैक्सिमम रियलाइजेशन हो सके। तो जैसे मैम, आप समिट का सेकंड डे था, एमएसएमई को लेके जो है मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब भी काफ़ी जो है सीरियस थे कि इस सेक्टर में जो है काफ़ी काम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जो है जो लक्ष्य भी है सरकार का वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी सेक्टर से निकल। अभी राज्य सरकार जो है एक एमएसएमई नीति लेकर आई है, एक हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लेकर आई है और रिप्स 22 लेकर आई है। अभी रिप्स 2022 अभी कल लॉन्च हुआ? जी, कल ही लॉन्च हुआ है और उसमें भी एमएसएमई को एक विशेष दर्जा दिया गया है। तो पॉलिसी लेवल पे ये बहुत बड़े इंटरवेंशंस हुए हैं। अब अगेन जैसे बाकी चीज़ों में होता है, उसको धरातल पर लाने के लिए विभाग को उद्यमियों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो शुरू में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इन पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएशंस को और उनके माध्यम से यूनिट्स तक अपनी बात पहुँचाएँ ताकि जो नई यूनिट्स लग रही हैं वो इन पॉलिसीज़ का लाभ ले सकें। जो लोगों के मन में विचार है कोई यूनिट एस्टेब्लिश करने का वो लोग इन पॉलिसीज का लाभ ले सकें, तो ये पूरा प्रयास। जो सामान्यतः समिट होते थे मैडम, अभी तक मैंने देखे उसमें होता यह था कि जब समिट होते थे इंटरनेशनल समिट तो उसी समय एमयू भी होते थे, इस बार आप लोगों ने अलग किया कि मैंने देखा कई लोगों से मैंने बात भी की, बोले हम एमयू करने आए हैं, बोले हमें पता ही नहीं चल रहा किससे बात करनी है, कौन हमसे एग्रीमेंट करेगा। तो ऐसे भी स्थिति हुए हैं, तो क्यों नहीं आपने इन दो तीन दिनों के बीच में भी एमयू किए जिससे आपकी संख्या भी बढ़ती? नहीं, देखिए ऐसा कोई भी नहीं है। हमने अभी पिछले महीने की यानी कि 20 दिन पहले तक हमने एमओयू किए हैं। 17 तारीख को जिस दिन एमएसएमई पॉलिसी और हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च हुई है उस दिन भी लगभग 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं और उसके पहले महीने हमने दिल्ली में 70,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। और लास्ट मिनट पर जो लोग एमओयू करने आते हैं उससे हम लोग अब बचते हैं। ये बिल्कुल एक कॉन्शियस डिसीजन है, इसलिए बचते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता उनका पास वो उनका प्रपोजल कितना परिपक्व है, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, कहीं जमीन चिन्हित की है कि नहीं की है, कोई बैंकों से फाइनेंशियल क्लोजर की कोई स्थिति है कि नहीं है। तो एमओयू जब हम करते हैं तो हमारी भी प्रतिबद्धता उसमें है, यानी जितना उसको सेटअप करना है उतना हमारी भी जबान एक तरह से जिसको कहते हैं उस पर बात आती है कि भाई हमने भी तो कमिटमेंट किया है, तो इसलिए हमने नहीं किया लास्ट मिनट के एमओयू की, हम उसको देख के समझ के फिर एमओयू करेंगे। तो और जैसा मैं कह चुकी हूँ कि एमओयू की ये सतत प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो प्रपोजल्स हमारे पास बिल्कुल लास्ट मिनट पे आए हैं हम उनको स्टडी करेंगे और निश्चित रूप से अगर एमओयू होने लायक है तो हम करेंगे। तो 10,44,000 करोड़ के जो एमओयू हैं इसमें कितने भारत के बाहर से हैं, कितने एमएसएमई सेक्टर के हैं, इस तरह का कुछ विवरण है क्या? देखिए, इसमें से करीब 80% एमओयूज तो रिन्यूएबल सेक्टर के हैं, यानी सौर ऊर्जा और
जिसका बैकग्राउंड पीछे देख रहे हैं जी बिल्कुल। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं रिन्यूएबल के, ये लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब कोई 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह के बहुत बड़े बड़े MOUs हैं और इनको स्थापित करने में भी टाइम लगता है, कम से कम 4 से 5 साल का। और शुरू में ही जब MOU हुआ है तभी उसमें दिया गया है फेज्ड मैनर में, तो उनका दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड में ये MOU इस्टेब्लिश होंगे। और बाकी जो 20% MOU हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के हैं, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स का बहुत बड़ा शेयर है, टेक्सटाइल्स का है, एग्रो का है, तो ऑटो का है, तो विभिन्न सेक्टर्स के MOUs हैं। और जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ कि 40% क्रियान्विति के चरण में है, और अब हमारे सामने चुनौती ये रहेगी कि जो बाकी के MOUs हैं उनको भी हम धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान का आज दूसरे दिन भव्य समापन हुआ है, और इसी जो विनु गुप्ता जी ने कहा कि जो है ये इन्वेस्ट राजस्थान के समापन के साथ जो है निवेश जो रुकेगा नहीं, MOU आगे भी होते जाएंगे, राजस्थान में निवेश आता जाएगा और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है और सुदृढ़ होती जाएगी। पत्रिका टीवी के लिए मैं नरेंद्र सिंह सोलंकी और स्वतंत्र जैन, नमस्कार।